कोविड की दूसरी लहर अब कम हो गई है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन यदि पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रधानमंत्री ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। साथियों, कोरोना से नॉर्थ ईस्ट में आप सभी किस प्रकार से कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ इससे निपटने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो साकार किया है, उसका विस्तार से आपने वर्णन किया। आप लोग और एक प्रकार से पूरा देश और विशेष करके हमारे हेल्थ वर्कर्स, हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए गत 1.5 साल से लगातार परिश्रम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। मैं उस टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूं, और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देश में ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं, वहीं पूर्वोत्तर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ इन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, वहीं टीकाकरण की स्थिति का जायजा भी लिया। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भलीभांति परिचित है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना बहुरूपिया है, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है, और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिल स्टेशन और बाजारों में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं है, सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान की पूर्वोत्तर में भी उतनी ही अहमियत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि तीसरी लहर के मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है, इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही
हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर करना है। वायरस का प्रहार, वो दो गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे चलना है। हमें विशेष रूप से ऑक्सीजन पर पीडियाट्रिक केयर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए तेजी से काम करना होगा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए हाल ही में कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज भी स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते, तीसरी लहर के क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है, वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़, ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि
एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।